एक बार फिर से मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ पल्सर N160 पर मॉडिफिकेशन लिख रहेगा इसको एग्जॉस्ट को लेके, वो भी डबल साइड कुछ इस तरीके से, यानी कि सिंगल एग्जॉस्ट आप लोगों को पता लगा होता है लेकिन अब समझ लो चार साइलेंसर लग चुके हैं अपनी पल्सर N160 में, लग गए चार साइलेंसर, दो ये वाले हो गए और दो ये वाले हो गए भाई डबल साइड। देखो भाई एक दो तीन चार, एक्रोबैटिक की साउंड सुनो गाइस, सो हे गाइस कैसे हैं आप सब, मेरा नाम है सिकंदर, एक बार फिर से मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ पल्सर N160 पर मॉडिफिकेशन, लेकिन अगर आप लोगों के पास पल्सर N250 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है। आज के सिनेरियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसको एग्जॉस्ट को लेकर, वो भी डबल साइड कुछ इस तरीके से, यानी कि सिंगल एग्जॉस्ट आप लोगों को पता लगा होता है लेकिन इसमें बैंड पाइप लगाने के बाद डबल साइड एग्जॉस्ट जो कि इसमें इंस्टॉल हो चुका है, अभी इसमें फिनिशिंग का काम बाकी है लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा इसमें कि साउंड कैसा आने वाला है फाइनल पे। अगर आप लोग इस तरह का काम कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो कुछ इस तरीके से, इस साइड में लगा हुआ है एक, इस साइड में लगा हुआ है। अब ये आप लोगों की नीड पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा एग्जॉस्ट का सेटअप बनाना है, वो भी डुअल साइड, लाइक आप लोगों को एससी का लेना है या फिर इस तरीके से एक्रो पब्लिक का हो गया, R9 का हो गया, या फिर आप लोगों का ये छोटा कैन जिसे कहते हैं ऑस्टिन रेसिंग, तो ये इस तरीके से जो है इसको ट्राई करेंगे। फिलहाल अभी इसमें एक्रो पब्लिक लगा हुआ है तो इसमें कुछ एग्जॉस्ट के यहाँ पर मैं सैंपल निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें हर सैंपल को डबल तरीके से लगाना पड़ेगा, एक साइड लेफ्ट राइट, तो इसी तरीके से इसमें लगाएंगे और साउंड आपको सुनाऊंगा। डीबी कार्ड सबके खोल दूंगा, विदाउट डीबी कार्ड साउंड सुनाने वाला हूँ। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या साउंड आने वाला है और आप लोगों को भी नहीं पता, उसके लिए हेडफोन लगा लो, लेकिन रियल में काफ़ी बेटर साउंड होता है इन कंपेयर टू जो आप सुनते हो फोन में, तो देखते हैं इसमें साउंड कैसा आता है आपकी पल्सर N160 पे, लेकिन 250 पे भी आप करा सकते हो। बाकी इसमें छोटा मोटा काम और भी है, जैसे कि आप देखोगे इसके व्हील कवर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये तो चीज़ें आप लोग मेरे चैनल पर देखते रहते हो लेकिन ये काफ़ी अलग था, तो देखते हैं कैसा इसका जो है साउंड निकल कर आता है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर लगा दिया है एक्रो पब्लिक, तो इसका साउंड सुनते हैं और फिर आप लोग बताना। और ये दोनों ही जो है वर्किंग रहेंगे, मतलब सिर्फ लुक्स के लिए नहीं है, एक्चुअल में वर्क भी है, तो स्टार्ट करके और साउंड सुनाते हैं। करना जी स्टार्ट, तो गाइस आप साउंड चेक करो, ये तो हो गया एक्रो पब्लिक का। अगला एक और एक्रो पब्लिक लगाते हैं, ये वाला लगा लो, टीवी के लिए खोल दें इसके, और जितने भी मैं आपको साउंड सुनाने वाला हूँ सबकी टीवी के हटा देता हूँ, तो एक करके लगाते हैं और उसी तरीके से सुनाते हैं आपको साउंड। तो पहला वाला हो गया है, इसको बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाला है, इसके थोड़े से ज़्यादा हैवी होल है तो ये वाला जो है ज़्यादा फ्री फ्लो है, तो इसका साउंड भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। और लास्ट में सुनेंगे ऑस्टिन रेसिंग का, जो कि आप लोगों को पता ही है जो बहुत ज़्यादा लाउड होता है, जो कि नाम से पता चल रहा होगा आपको। डीबी कार्ड निकाल दिए इसके, तो ये कुछ फ्री फ्लो हो चुके हैं, बाकी इसका साउंड आप कम भी कर सकते हो। एक्रो पब्लिक की साउंड सुनो गाइस, मजा बांध दिया भाई, तो बहुत तेज हो गया भाई साउंड, इसका बेस भी आ रहा है एक्चुअली। अगला कौन सा जी, अगला ये लगाओ एक्रो पब्लिक की डबल बैरल वाला, तो ये सुनते हैं साउंड इसका कैसा आता है, एक आइडिया के लिए भी रहेगा। और भाई अब समझ लो चार साइलेंसर लग चुके हैं अपनी पल्सर N160 में, लग गए चार साइलेंसर, दो ये वाले हो गए और दो ये वाले हो गए भाई डबल साइड। लगाओ जी, दो इस साइड आ गया और भाई दो इस साइड आ गया, खतरनाक लुक। फिटिंग तो देखेंगे बाद में, पहले आप साउंड सुन लेते हैं पहले इस आइडिया के लिए। स्टार्ट करना, देखो भाई एक दो तीन चार, नेक्स्ट है वो है ल्यूवेंस, तो ये ल्यूवेंस वाला लगा रहे हैं। ये जो है एक्रो पब्लिक का जो है साउंड सुन लिया है, तो ये आप लोग मुझे बताते रहना कमेंट करके कि आप लोगों को कौन सा था बेटर लगा, और ये आप लोगों की नीड पे डिपेंड करता है कि आप लोग डबल करवाते नहीं करवाते, बाकी सिंगल तो आप लगवा ही सकते हो तो आप लोगों को पता ही है, तो साउंड आप लोगों को आइडिया हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो ल्यूवेंस है ये, इसका सुनते हैं, करो जी स्टार्ट।
भाई ल्यूवेंस हो गया, एकर पब्लिक हो गया, दूसरा वाला एकर पब्लिक हो गया, तीसरा वाला एकर पब्लिक हो गया। अब लगाते हैं लास्ट में ऑस्टिन रेसिंग, जो कि भाई काफी ज्यादा लाउड होगा। वो रहे साहब, वो रहे ऑस्टिन रेसिंग। बुलबुल के बच्चे छोटे छोटे सुनते हैं, फिर आपको सुनाते हैं साउंड इसका कैसा आता है भाई। तो ये जिन लोगों को लाउड साउंड चाहिए, एक्सट्रीमली लाउड, उन लोगों के लिए भाई ये रहता है ऑस्टिन रेसिंग। गाइस इस तरीके का काम है किसी भी बाइक में कर सकते हो, डजंट मैटर आप लोगों के पास पल्सर है या फिर कोई और बाइक है। अगर आप डबल कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का जो इंटरसेप्टर में आपने देखा होगा तो कंपनी देती है, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ इस तरीके सेटअप करवाना तो आप करा सकते हो भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें जो मैंने आपको साउंड सुनाया ये कैसे लगे आप लोगों को मुझे बता देना। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें व्हील कवर्स लगाए गए जो कि प्लग एंड प्ले हैं, ऊपर से इसमें व्हील खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रंट एंड रियर दोनों लगे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर हॉर्न भी लगा रखे हैं। तो ये हो गया। इसमें आपको किस एग्जॉस्ट की ज़्यादा बेटर साउंड लगा, मैंने आपको ल्यूवेंस के जो है ट्राई कराए, एकर पब्लिक के भी 2-3 वैरायटियां मैंने कराई, डबल बैरल ने भी कराया, थे तो बहुत सारे, लेकिन जो इसके हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता मैंने वो उसमें ट्राई करा दिया आपको। तो अभी के सिनेरियो में तो यही था गाइस, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरीके के ब्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहते हैं यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, सेम नाम से। किस नाम से? SKD Bike World। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं। गुड बाय, जय हिंद जय भारत।